हाँ, हैविंग सेड दिस, आई थिंक इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं और जो इम्पोर्टेंट आपसे रिलेटेड सवाल है उन पे चलते हैं. इसको हम सेकंड एपिसोड में पब्लिश करेंगे ताकि ज्यादा लंबा ना हो जाए व्यूअर्स के लिए. सो अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड एपिसोड. ऑलराइट जुनैद, सो जुनैद सबसे पहले तो मैं आपके IFBB प्रो बनने की जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ. काफी लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि सर आप इनसे ये तो पूछो कि ये IFBB प्रो बने कैसे, इसके पीछे इनका स्ट्रगल क्या था, इनकी मेहनत क्या थी, बिकॉज पब्लिक डोमेन में वो नॉलेज बिल्कुल नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकम एन IFBB प्रो एक जिद थी, और वो जिद कब हुई, जब IFBB प्रो के बारे में पता चला. जब पता चला कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इंडिया से जाके प्रो कार्ड जीत के आया है, बिकॉज ऑब्वियसली पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अब अगर आप देखो तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली में 7 प्रो कार्ड मिलते हैं शेरू क्लासिक के अंदर में, मुंबई में जब एमेच्योर ओलंपिया होता है तो 21 प्रो कार्ड मिलते हैं, और जो फर्स्ट क्वार्टर में जो शेरू क्लासिक IHFF होता है उसके अंदर में आई बिलीव कुछ 6 या 7 प्रो कार्ड मिलते हैं. तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि भाई आपको दो तरीके से प्रो कार्ड मिलेंगे. स्टेप नंबर वन, आप कोई भी एमेच्योर शो जाइए और उसके अंदर में ओवरऑल टाइटल विन कर लीजिए, ठीक है. स्टेप नंबर टू कि आप NPC के 5 शो खेलिए जिसके अंदर में आप फर्स्ट प्लेस आएंगे और एक मिनिमम ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है. तो अब 2013 व्हेन आई कंपीटेड एंड वन शेरू क्लासिक जब प्रो कार्ड नहीं था, 2014 आई वेंट टू अर्नोल्ड क्लासिक. जब मैं अर्नोल्ड क्लासिक में गया तो मुझे औकात पता चल गई कि भाई यहाँ पे क्या होता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे साथ चीटिंग हुई, नहीं, मुझे औकात पता चल गई. हो सकता है वो टाइम पे मैंने कुछ डाला होगा नादानी में, क्योंकि 24 साल का बच्चा था वो टाइम पे मैं, तो वो टाइम पे इंसान होता है. लेकिन आज मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे अपनी औकात पता चल गई थी वहां पे, और वो मुझे एक साल बाद रियलाइज भी हो गया था कि हमारी औकात क्या है. मैं मेरी बात करूंगा कि भाई टू कम्पीट अगेंस्ट दोज, यू नो, कोई ईरान से आता है. व्हाट डू यू मीन औकात? ये औकात को थोड़ा डिफाइन करो ना, समझ नहीं आया औकात. कोई ईरान से आ रहा है, कोई सऊदी से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई US से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, एंड ऑल दोज गाइज आर लाइक ब्राजीलियन, यू कांट सी. यानी मुझे पता है कि सेम ब्राजीलियन गाय कम्पीटेड विथ मी इन मॉन्टेरियो प्रो शो जो 2014 में ओलंपिया जीता था. कुछ तो नाम है उसका एफ से, फ्रेंको ऐसा कुछ तो नाम है, ही इज ऑल्सो ब्राजीलियन एक्टर. तो जब उनको देखा ना भाई, तो मेरे तो होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए कि भाई ये क्या है, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज हम तो क्या है ना, हम तो सिर्फ मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री और मिस्टर इंडिया का कॉम्पिटिशन खेले, यानी वही दिखा है हमको कि भाई ऐसे ही होता है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2014 में मुंबई श्री भी नहीं होता था मेन्स फिजिक में, मिस्टर इंडिया भी नहीं होता था. फर्स्ट टाइम 2015 में मिस्टर इंडिया हुआ था, जिसका टाइटल जिसका मेडल रहा यहाँ पे, ये देखो, ये मिस्टर इंडिया फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम मिस्टर महाराष्ट्र हुआ था, और ये फर्स्ट एवर मिस्टर मुंबई श्री हुआ था 2016 में, जिसका गोल्ड मेडल मेरे पास है, कांदिवली में हुआ था मुंबई में. तो जब 2014 में वहां गया था, वहां तो मेंस फिजिक था ही नहीं भाई, तब तो सिर्फ बॉडी, ये सारे फिजिक है, दिस ऑल आर फिजिक. दिस इज द फर्स्ट शेरू क्लासिक जो मैंने खेला था, जीता था. तो जब 2014 में मैं वहां गया था, हमारे इधर फिजिक कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ शेरू क्लासिक एक पहला शो हुआ था जहां पे पता चला था कि फिजिक नाम की कोई कैटेगरी होती है. फिर 2014 में मैंने वहां गया, मुझे पता चला कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं भी यही सोच के गया था ऑनेस्टली. जैसा आज लोग सोचते ना, शो में जाऊंगा, प्रो बनूंगा, प्रो बन के ओलंपिया जाऊंगा, जीत जाऊंगा, होता है. जब आप एक शो, पहला शो लाइफ का खेल रहे हो शेरू क्लासिक जैसा, वो पहला शो जीत जाते हो तो थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, दैट इज नॉर्मल. लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस को रियलाइज करना बहुत जरूरी है. तो जब 2014 में मैं अर्नोल्ड क्लासिक खेलने गया, मीन्स यू नो, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि फर्स्ट गाय फ्रॉम इंडिया टू कम्पीट, और वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मिलने की, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई. तो वहां पे थोड़ा सा ऐसा, लेकिन कमिंग बैक टू द जर्नी, वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम डूइंग रॉन्ग. थोड़ा टाइम लगा मुझे, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम डूइंग रॉन्ग. मैं वो चीज करने की सोच रहा हूँ जो इंडिया में अभी तक के सोच भी नहीं आई है. आप समझ रहे हो, मैं प्रो कार्ड बनने की सोच रहा हूँ लेकिन प्रो क्वालिफायर शो भी नहीं है इंडिया में. तो मैंने बोला पहले मुझे अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा. तो व्हाट आई डिड, आई पॉलिश माई सेल्फ. आई कम्पीटेड इन 2000 महाराष्ट्र श्री 15-16 महाराष्ट्र 15 का इंडिया का, देन उसके बाद मैं कम्पीटेड 2016 मुंबई श्री, इट वॉज द फर्स्ट एवर मुंबई श्री मेन्स फिजिक. देन उसके बाद में 2016 महाराष्ट्र, देन 2016 इंडिया.
ये शो खेलने के बाद में इसके अलावा फिर मैं स्टेप लिया टू गो टू एनपीसी जब मेरे कोच हो गए थे बिक्की सिंह, तो बिक्की सिंह को और जो दीपिका चौधरी है जो हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रो एथलीट है फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्रो एथलीट है फ्रॉम इंडिया, तो जब वो एनपीसी में कम्पीट करने लगी, हाँ नो आई हैव टू मेंशन दिस, तो उसने शी इज माय सिस्टर, लाइक आई कंसीडर हर एज अ सिस्टर, तो जब उसने मुझे बताया कि जुनैद इस तरीके से, तो मुझे तो कभी इतना ही तो मुझे इतना ही पता था कि भाई प्रो कार्ड सिर्फ एमेच्योर शो से जीत सकते हैं जैसे अर्नोल्ड क्लासिक एमेच्योर, लेकिन उसने जब मुझे बताया कि यू कैन ऑल्सो विन प्रो शोज प्रो कार्ड बाय कम्पीटिंग 5 times एंड विन 1 overall, तब मैंने 2016 के मिस्टर इंडिया के बाद में आई स्टार्टेड गोइंग टू एनपीसी USA. तो because Bikki Singh was my coach, okay, because Bikki Singh was my coach, he was very supportive, his family was very supportive, he said ki tu yahan aa ja, tere ko koi tension lene ki zarurat nahi hai, aur honestly wo time pe bahut dar bhi lagta tha ki yaar America jaisi jagah jana hai, hum 1 rupaya kamate hain wahan pe 1 rupaya 70 rupaye ke barabar hota hai, but he was very kind, his family was very helpful to me, I will be always owe them, thankful for them, God bless them always. To उन्होंने अपने घर पे मुझे रुकाया, बोले होटल पे रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, घर पे रुकाया, उसकी मम्मी ने डाइट का खाना बना के खिलाया, एंड देन आई स्टार्टेड कम्पीटिंग वहां पे, फिर मैंने 1 show खेला, 2 show खेला, 3 show खेला, 4 show खेला, अब उसके बाद में जो मेरा सेकंड शो था उसमें मेरी सेकंड प्लेसिंग लगी थी, ठीक है, तो इसी तरीके से फिर मैं क्या करने लगा, मैं 1 show खेला और जो दूसरा शो था मैंने वही ट्रिप में खेल डाला, मैंने एक $100 एक्स्ट्रा दिए थे फ्लाइट को, कि मैंने बोला यार घर तो है अपने पास में तो एक फ्लाइट का एक्सटेंशन करा लेते, एक हफ्ते बाद शो है, यहाँ आए तो खेल के जाते, तो सेकेंड शो में मेरी प्लेसिंग सेकेंड लगी, देन आफ्टर दैट आई अगेन वेंट, आई कम्पीटेड इन दुबई मसल शो वेर आई प्लेस top 5, एंड देन उसके बाद में मैं फिर से गया, मैं फिर से 2 show खेला, दोनों शो में गोल्ड आया, फिर वापस में रिटर्न आया, फिर उसके बाद में 2017 मई के अंदर में मैं सिर्फ एनालाइज करने गया था कि न्यूयॉर्क प्रो शो था, मुझे देखना था कि ये प्रो शो में क्या होता है, बिकॉज हमने तो कभी देखा ही नहीं था भाई, हम तो एनपीसी शो नहीं देखे थे, प्रो शो तो बहुत दूर की बात है, तो आई वेंट देयर, आई वांटेड टू सी कि किस तरीके का होता है, और कहीं ना कहीं मेरे पास में ये एडवांटेज था कि बिक्की पाजी का घर था तो मुझे रहने के लिए जगह मिल जाती थी, ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं सेम 2017 के अंदर में एमेच्योर ओलंपिया खेला इंडिया के अंदर में, एंड देन आप लोगों को सबको पता है क्या हुआ था उसके अंदर में, बहुत फेडरेशन जो पिछली हमारी मैनेज करती थी, तो इट वाज ऑल, तो लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट, देन लेटर ऑन द सेम डे आई डिसाइडेड कि नहीं भाई नहीं मुझे नहीं मालूम है, बट इट्स ओके वी कैन अवॉइड, बहुत छोटी सी चीज है, तो मुझे द सेम डे व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द स्टेज ऑन द एमेच्योर, या ऑन द एमेच्योर, ऑल्सो बहुत पुरानी बात है, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने सेम डे डिसाइड कर लिया कि नो देयर इज समथिंग अनफिनिश्ड, मैं वहां पे ऑलरेडी 4 show खेल चुका हूं जिसमें से 3 gold आ चुका हूं, एंड आई हैव स्टिल अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन गो एंड विन द प्रो कार्ड, सो आई बुक्ड माय टिकट, आई फिगर आउट कि ये 2 show है, एंड बिक्की पाजी वाज नॉट इवन अवेयर कि मैंने बुक्ड भी कर लिया, मैंने उनको बोला कि पाजी देखो सॉरी बट मैंने बुक कर लिया है, ये शो है और मुझे खेलना है, और मुझे इस शो के बाद में, और इतनी जिद हो गई थी ना वो प्रो कार्ड की, एक नशा सा चढ़ गया था मेरे में कि मैंने ये सोच लिया था कि अगर इस शो को मैं दोनों शो को जीत के ओवरऑल टाइटल ला के अगर मैं प्रो कार्ड नहीं कर पाया ना, आई स्वेयर आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल क्विट द बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एंड बिक्की पाजी ऑलवेज मोटिवेटिंग मी, तू पागल है, तू ये सब क्या बातें करता है, मैंने बोला नहीं पाजी अगर यहाँ करना है तो प्रो कार्ड यहाँ से लेके जाना, नहीं तो नहीं लेके जाना, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे 3 gold हो चुके हैं, मेरे पास 2 show है, 2 show में मुझे 2 gold और 1 overall लाना ही लाना है, अगर वो मैं लेके आता हूँ तो भाई मेरा गेम हो गया, नहीं लाता हूँ तो भाई राम राम। Then I competed on the उसके बाद में क्या मेरा 4th gold आया। अब साला 1 show you need 1 gold and 1 overall। और बिक्की पाजी मुझे चिल्ला रहे तू पागल हो गया है, तेरी हेल्थ के बारे में सोच, 3 continue पीक वीक क्यों कर रहा है। मैंने बोला पाजी जिद है, एक बार करने दो ये, या तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी पीक वीक रहेगा या तो फिर ये मेरी जिंदगी का एक स्टेप चेंजिंग मोमेंट रहेगा प्लीज। तो वो मेरे को बिकॉज यू नो एज अ टीम फरा, जॉर्ज फरा के बंदे हैं हम, एज अ टीम फरा वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ मोर देन एनीथिंग, वी बिलीव इन लेस एवरीथिंग लेस एंड मोर फूड एंड मोर हेल्थ। तो वो मुझे बहुत चिल्ला रहे थे लेकिन मतलब पाजी प्लीज मेरी एक बार मान लो, तो उन्होंने मुझे यस बोला एंड देन वी कम्पीटेड एंड देन दिस आर द गोल्ड मेडल एंड द ओवरऑल मेडल फॉर द सेम शो। And that's how I got this. Then उसके जो procedure थे उसके बाद में मुझे pro card मिला। So and okay. and the
कोइंसिडेंट देखो कि दिस इज 28th ऑफ अक्टूबर, दिस इज 28th ऑफ अक्टूबर, यानी कि मेरी जिंदगी का सबसे पहला शो भी मैं 28 अक्टूबर को जीता था, आई मीन जब मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और मेरी जिंदगी का प्रो कार्ड का जो शो था वो भी 28 अक्टूबर को ही जीता था. ओके, सो जुनैद टेल मी दिस, थोड़ा आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस. तो एक तो होता है प्रो शो क्वालिफायर, मतलब जिसमें प्रो कार्ड मिलता है आपको, आप स्टेज पे कम्पीट करते हो, जीतते हो. दूसरा आपने बोला कि अनदर वे ऑफ क्वालिफाइंग इज कि आपको 5 शोज में गोल्ड जीतना पड़ेगा और एक में ओवरऑल जीतना पड़ेगा. अगर आप ये जीतते हो तो आपको प्रो कार्ड मिल जाएगा. बट ये तब होता था, ये तब होता था, सुनो, नहीं, I'll make it clear. ठीक है, ये so, तब होता था जब इंडिया के अंदर में प्रो क्वालिफायर शोज नहीं हो रहे थे. अब नहीं होता, बिकॉज अब इंडिया के अंदर अब नहीं होता प्रो क्वालिफायर शोज है ना. ओके, गुड इनफ. तो एक्चुअली इससे ये भी पता चलता है हाउ ओल्ड यू आर इन द सिस्टम, आप कब से कम्पीट कर रहे हैं और कब से सपने आप देख रहे हैं. तो दैट्स गुड टू नो. मेरे को ये बताओ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था इस जर्नी में, सबसे बड़ा चैलेंज. मेरे लिए अगर चैलेंज बोलो तो कहीं ना कहीं फाइनेंस, कहीं ना कहीं फाइनेंस. ऑफकोर्स यूएस का एक टिकट ही इतना महंगा आता है, बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं. और अब तो बार बार यूएस जाके कम्पीट करके आए हैं, तो दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट अदर देन लैटिन अमेरिका आई थिंक. तो फाइनेंस तो ठीक है, मतलब वो इस गेम का पार्ट है, दैट नोबडी अर्न सो मच टू स्पेंड सो मच, और बॉडी बिल्डर्स का फुल टाइम काम भी हो जाता है. बट उसके अलावा क्या मॉरल चैलेंज कुछ आया हो, सपोर्ट चैलेंज कुछ आया हो, क्रिटिक्स ज्यादा हो गए हो, ऐसा कुछ चैलेंज आया? यस, आफ्टर टर्निंग प्रो जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा हेटरेट मिला था, एंड मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार ये तो अजीब ही हो गया. मीन्स यानी कि एक इंसान कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि जब तुम प्रो कार्ड लेके आते हो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे तो ऐसा हो रहा था. इनिशियल स्टेज में जब ये सब चीजें चालू हुई थी तो बहुत बहुत ज्यादा हेटरेट, यानी कि स्पेशली वो जो हमारा न्यू चालू हुआ था अप्रैल मई के अंदर में, इतना मेरी माँ को गालियाँ दे रहे, मेरे घर वालों को गालियाँ दे रहे, मुझे कैसी कैसी गंदी. मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, लोग मुझे बोल रहे थे कि तूने हमसे चीट किया. मैंने बोला यार मैंने किसकी बहन से शादी कर ली ये बोल के कि मैं पहला IFBB प्रो. इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग जो तरीके से लोग हेटरेट फैला रहे थे. एंड ये सब हुआ ही उसकी वजह से कि जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से. तो यही है ना कि यार अगर आप ये सब चीजों में पढ़ोगे तो दो गाली आपको पड़ेगी, दो गाली सामने वाले पड़ेगी, इसके लिए मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा. तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे कहीं ना कहीं ना नफरत होने लगी थी कि यार ये सब क्या है. यानी आप खुद सोचो ना कि आप एक अचीवमेंट करते हो. मैं ये बोलता हूँ कि चलो इंडिया के लिए छोड़ दो, लोगों के लिए छोड़ दो, मैंने मेरे लिए करी, मेरे घर वालों के लिए करी, ये चलो मैं इंडिया के लिए छोड़ दो, लोगों के लिए छोड़ दो, मैंने मेरे लिए मेरे घर वालों की करी. लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि किसी को भी आप बेवजह गाली देते हो. अभी कल रात में मैं एक लाइव सेशन में था, किसी ने मेरी माँ को गाली दे दी, जानता पहचानता कुछ नहीं है, ठीक है. मैंने स्टोरी डाल दी कि मैंने बोला कि आप यार मेरी माँ को गाली दे रहे हो, दैट्स नॉट फनी. डू यू नो व्हाट ही रिप्लाइड? ही सेज कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था. अरे भाई 150 फॉलोअर में तेरा अकाउंट कौन हैक करेगा? यू बी ऑनेस्ट ना, बी ऑनेस्ट. हाँ भाई मैंने मेरी, सॉरी मैं ये वर्ड नहीं यूज करता, कि मेरी जी में मस्ती थी, मैंने किया अटेंशन पाने के लिए. अब तूने अटेंशन पाने के लिए किया तो ले मेरी स्टोरी पे. अब जो लोग तुझे बेवकूफ बना के गालियां देंगे, फिर कुछ टाइम बाद में मैंने निकाल भी दिया कि यार ठीक है अगर उसको मुझे गाली पड़ी तो कैसा लग रहा है, तो उसको भी कितना फील हो रहा होगा. लेकिन गुस्सा आता है यार, मींस क्यों करना है आपको जबरदस्ती. और ये वही लोग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वही लोग है जो गाली भी देते ना, ये आके मिलेंगे रिस्पेक्टफुली मिलेंगे मेरे को आपके. तो फिर इंस्टाग्राम पे आप गाली देके क्या जताना चाहते हो कि आपको गाली देने आती है? तो जुनैद इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है दैट आई वांटेड टू आस्क यू, कि जैसे फिटनेस का स्कोप बढ़ता जा रहा है, और मैं कंपेटिटिव फिटनेस बॉडी बिल्डिंग की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा कि कुछ साल पहले तक तो फिजिक होती नहीं थी कैटेगरी, वो धीरे धीरे 15-16-17 में आनी शुरू हुई, और अब वो बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा बढ़ के है पॉपुलैरिटी में, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट थोड़ा आसान है बॉडी बिल्डिंग से, बॉडी पार्ट हो या फिर ट्रेनिंग हो या जैसे कुछ भी हो, प्लस प्रेजेंटेबिलिटी इंसान की थोड़ी फिर भी नॉर्मल इंसान जैसी रहती है, लाइफ फिर भी उसका थोड़ा नॉर्मल इंसान जैसा रहता है, प्रो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर जैसा नहीं. तो लेकिन ये जब प्रोग्रेस हो रहा है तो उसके साथ मुझे लगता है हिपोक्रेसी, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस छोड़ के दूसरे की तरक्की पे फोकस करना, ये भी सब बढ़ता जा रहा है.
अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो आप उसको क्या सजेशन देंगे कि हाउ डू दे कंट्रोल? सी, मेरा सजेशन ये रहेगा, बिकॉज़ आई बिलीव इन अ ओल्ड स्कूल, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ 90s के बॉडी बिल्डर्स में या फिर अर्ली 20s में. जैसे अगर इंडिया की बात करें तो जैसे हमारे यतिंदर भाई है, संग्राम भाई है, ये सब लोग एक एग्जाम्पल है. क्योंकि ये टाइम पे ना जब ये कॉम्पिटिशन करते थे ना, तो ऑब्वियसली इनमें भी कॉम्पिटिशन पे या कोई भी चीज थी, तो लेकिन ये कभी एक दूसरे एथलीट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, ये एथलीट की रिस्पेक्ट करते थे. स्टेज पे जो होता है वो अलग बात है, लेकिन स्टेज के बाद है ना, ये कभी भी किसी एथलीट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. तो आप अर्ली 90s के, सॉरी लेट 90s के भी बॉडी बिल्डर देखोगे जो मैं देखते आ रहा हूँ, 98, 99, 2000, 2001, तो ये लोगों में ना, अभी जैसे रॉनी कॉलमैन एंड जे कटलर है, दे विल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू ऑन स्टेज, बट ऑफ स्टेज दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर. तो आज की तारीख में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि खिलाड़ी खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करना बंद कर गया है, क्योंकि एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे जिसको मन में आता है जो बोल देता है. तो अगर किसी को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे एथलीट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि फिटनेस इंडस्ट्री, फिटनेस कम्युनिटी इज अ फैमिली, और हम इसमें जो रहते हैं वो एक ही फैमिली के बच्चे, तो हम अपने घर में रह के अपने भाई को तो गाली नहीं दे सकते ना. तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि रिस्पेक्ट अदर एथलीट. हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो मेरे को इसका जवाब शुरू से देना, एंड डोंट गेट इनटू अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थिंकिंग कि भाई ये करेंगे तो शायद व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा. देखो, जिस इंसान को फेमस होना है वो अपने टैलेंट के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू हो सकता है, उसको कोई कॉन्ट्रोवर्सी की या फिर कोई उसकी जरूरत नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, और एक इसको फैमिली कंसिडर करो, बिकॉज most of the people in today's day, I see myself, no disrespect, but I see myself, most of the people in today's day, they want to get into fitness industry. एक ऐसा हो गया ना, जैसे पहले लोग बॉम्बे आते थे ना शाहरुख खान बनने के लिए, अब वो ऐसा हो गया कि फिटनेस इंडस्ट्री में बनेंगे और एक कोई भी बड़ा नाम पकड़ लो, हमें वो बनना है. बट इट इज नॉट दैट ईजी, राइट? शाहरुख खान जब आया था तो शाहरुख खान ये सोच के नहीं आया था मैं शाहरुख खान बनूंगा. शाहरुख खान ये सोच के आया था कि मुझे एक्टिंग का शौक है और मुझे करना है. तो जो चीज आप शौक से चालू करते हो आपको बहुत आगे लेके जाती है. वेरी वेल सेड, वेरी ब्यूटीफुल, यस, सही बात बोली. हमें किसी ने ये भी पूछा था, मोमिन अली करके हैं एक इंस्टाग्राम, हमारे टाइम पे जब हमने चालू किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, द फर्स्ट कंपटीशन आई डिड इन 2013, ऑनेस्टली 2013 जब मैंने प्रेप स्टार्ट करी थी तब मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो जाएंगे. जुलाई 2013 में मेरा किसी ने इंस्टाग्राम मुझे बना के दिया था, और मैं तब महीने में एक पोस्ट डालता था. तो तब ये नहीं था कि भाई अगर हम मेडल जीतेंगे, तब तो ऐसा होता था कि जब अगर आप कोई अच्छा मेडल जीत जाते हो तो आपको कोई कंपनी ना सप्लीमेंट फ्री में देती है, बस उतनी एक तमन्ना थी. तो वो शौक था. अगर आज भी बहुत सारे लोग जो शौकिया तौर पे कर रहे हैं, तो इफ यू डू इंटरेस्टिंग अगर आपको दिल से चाहत है कि मुझे करना है, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप इंस्टाग्राम पे जाके बोल रहे हो कि आई वांट टू डू इस बिकॉज आई लव इट, यू तुम्हारा जो प्यार है ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. प्यार हमेशा, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, माँ के साथ हो, या बॉडी बिल्डिंग के साथ हो, तुमको आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, वो एहसास होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव इज फीलिंग. तो जो तुम्हारी फीलिंग है ना, वो चार को आसपास दिख के आती है. अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता हूँ, मुझे उसको जाके रोज आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होगा. मेरी वाइफ को मैं आई लव यू बोलूंगा उससे प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बाय द वे, मेरी वाइफ को आई लव यू बोलूंगा उससे जरूरी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ. मेरी माँ को आई लव यू बोलूंगा उससे जरूरी है. मुझे कुछ फीलिंग को इस तरीके से ऑटोमेटिकली आएगी, जब चार लोग देखेंगे ना तो बोलेंगे यार ये बंदा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, ये बंदा अपने स्पोर्ट से बहुत प्यार करता है. लाइक आई वुड से एग्जाम्पल अगेन, भुवन लव बॉडी बिल्डिंग बिकॉज आप उसको देखो, ही इज वेरी डेडिकेटेड, वो दिख के आता है, उसका प्यार है. तो ऐसा बनो कि वो दिख के आता है.